हाँ जी बच्चों, क्या हाल है बेटा? यहाँ तक कर लिया आपने 4.1, 4.2, 4.3 न्यू बुक के अकॉर्डिंग, है ना? न्यू बुक के अकॉर्डिंग 4.1, 4.2, 4.3 अगर आपने कर लिए तो फिर 4.4 के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है? 4.4 में आपको करा रहा हूँ, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको सारी समझाऊंगा। बट उससे पहले एक बात का ध्यान रखना, मैंने आपको 4.3 में माइनस एंड कोसेक्टर्स की कॉन्सेप्ट बताई थी। अगर वो हमसे नहीं आएगा तो हम इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि उसी में ऐड होने वाला है। तो प्लीज अगर किसी ने नहीं किया तो पिछली 3 वीडियोस देख लो आराम से, उसके बाद फिर इसको देखना, ठीक है? जिन्होंने कर लिया वो देखो आप इधर। तो आप देखिएगा बेटा, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्पेशली जो हम पढ़ने वाले हैं ना बेटा, तो इसमें एडजॉइंट ऑफ ए पढ़ने वाले हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा बेटा कि जो भी हमें मैट्रिक्स दी हुई होती है, ठीक है, ये निकालना हमने एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर हमें कभी भी फाइंड करना होगा तो सिंपल वे में आप देखिएगा, दो केस मान लिए मैंने, फर्स्ट और सेकंड। मान लीजिए कि ये केस है आपका बेटा A11, A12, A21 और A22, ठीक है बच्चों? और यहाँ पर मान लीजिए एक है आपका बी मैट्रिक्स, तो उसको मैंने क्या लेट कर दिया, ये बड़ी वाली है ना, A11, A12, A13, है ना? आपको बताइए A13 और A21, A22, A23 और बेटा आपका A31, A32 और A33। अब यहाँ पर अगर हमसे पूछ ले कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो आप क्या करेंगे कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा ना, तो वो क्या होगा, इनके जो कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर्स है ना बच्चे, A11, A12, A21, A22, ये 2x2 वाले के लिए वैसे 2 ही लिख देते हैं ऑर्डर, है ना? जब हम अगर मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो 2x2 आता था, है ना? लेकिन अगर डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग चलूंगा तो ओनली 2 लिख देते हैं आंसर। क्या लिख देते हैं बेटा? ओनली 2, क्योंकि स्क्वायर में होती है ना, तो अंडरस्टूड होता है कि 2x2 ही आना है आपका। और अगर 3 लिख रहे हैं तो 3x3 होगी, तो खाली n=2 या n=3 आता है आपका। तो यहाँ पर n=, क्या बेटा आपका 3 है ना, डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर क्या आपका, ध्यान से देखिएगा, ये आपने क्या लिखा, इनका क्या लिखा बच्चों आपका, ये लिखे आपने इनके कोफैक्टर्स, कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकाल दो, ट्रांसपोज आप भूले तो नहीं, मैट्रिक्स चैप्टर में था, जो ये फर्स्ट रो है इसका फर्स्ट कॉलम बना दूंगा। देखिए A11 और A12 था, तो इसको कॉलम में ले आइए, और सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम बना दीजिए। जब हम क्या करते थे, इंटरचेंज करते थे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो उस कंडीशन में हम ये फाइंड करते थे। अच्छा, 3x3 वाले में अगर वो कहता कि भैया एडजॉइंट ऑफ बी बता दीजिए, तो हम क्या करते, कोफैक्टर तो हमसे निकालने आते हैं ना, तो हम वही निकालते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31 और A32 और A33 का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज आपको पता ही है कि क्या करते हैं, हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, A11, A12, A13 लिखते हैं यहाँ पर, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना देते हैं, A21, A22 और A23 लिखते हैं, और थर्ड रो का थर्ड कॉलम बना देते, तो A31, A32 और A33 आ जाता है बेटा आपका ये। तो इस तरह से हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है बच्चों? एडजॉइंट हम ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है? अब आप सुनिएगा, अभी सब फाइंड कराऊंगा मैं आपको, अभी तो कॉन्सेप्ट चल रही है हमारी, ठीक है? अब आप इससे आगे देखिएगा बेटा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है? ठीक है, एक फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पर बेटा, कि ए इंटू में एडजॉइंट ए, ये वेरीफाई भी कराएगा एनसीईआरटी में आपसे, या एडजॉइंट ए इंटू में इक्वल्स टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई मैट्रिक्स, है ना बेटा? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। और इसी से एक फॉर्मूला और फाइंड होता है हमारा, एक फॉर्मूला और फाइंड क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा। सपोज इट आप इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को, है ना, इक्वल ले लीजिए, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए और इक्वल्स टू में आपने ये लिख लिया बच्चों, ठीक है? अब सपोज इट आप क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं डिवाइड में, किसको बेटा, डिटर्मिनेंट को। तो यहां पर क्या है ये, और आई के अपॉन में किसको लेकर जाते हैं आप, ए को। तो जैसे 1 अपॉन ए इनवर्स को ए इनवर्स लिख सकते हैं ना, तो इसी तरह आई अपॉन ए को ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का यहां से जो फॉर्मूला आता है ना बेटा, तो वो आता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए से।
तो यहाँ से हमारा ए इनवर्स का भी फॉर्मूला आ जाता है। हालांकि इसका प्रूफ वैसे नहीं होता है, ये तो मैंने आपको सिंपल वे में समझाने के लिए कराया है, ठीक है, थोड़ा सा अलग होता है बट वो प्रूफ देता नहीं है इसका, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा बेटा, फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, रिपीट करके देखिए एक बार जल्दी से, है ना। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया कि पहले एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड कैसे करते हैं, तो जो हमारे कोफैक्टर्स होते हैं ना उनसे बनी हुई मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो क्या फाइंड हो जाता है बच्चे आपका, एडजॉइंट निकल जाता है। एडजॉइंट के बारे में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए, और क्या है बेटा आपका सामने डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आपका फॉर्मूला होता है, और इसके बाद ये फॉर्मूला आता है ए इनवर्स इक्वल्स टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। अब एक दो छोटी छोटी सी बातों का और ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है बेटा आपका। अभी दो वाले में जो आपका टू इंटू टू वाला है ना, टू इंटू टू वाले में मैं एडजॉइंट का शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं। देखिएगा अभी फिलहाल पहले चलो उसका शॉर्टकट ही सुन लो यहाँ पर, कि भैया अगर आपकी एक मैट्रिक्स है उसने क्या दे रखी है, ये ए वन वन ए वन टू ए टू वन और ए टू टू, ठीक है, और आपसे वो क्या चाह रहा है बेटा, आपसे वो चाह रहा है कि क्या निकलवाना चाह रहे हैं वो आपसे बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का शॉर्टकट ये होता है बेटा आपका, इसमें ध्यान रखिएगा कि हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं ना, ये जो है बेटा आपका इनको तो हम कर देते हैं क्या इंटरचेंज, क्या कर देते हैं बेटा हम इनको इंटरचेंज, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा ए टू टू और यहाँ आ जाएगा ए वन वन, जबकि इन दोनों के साथ क्या होता है बेटा आपका ओनली साइन चेंज, इनके क्या करते हैं साइन चेंज। तो क्या करेंगे, ये ए टू वन ही लिखा रहेगा लेकिन माइनस में, और वहां पर ए वन टू ही रहेगा लेकिन माइनस में। तो ये आपका शॉर्टकट होता है, क्या फाइंड करने का शॉर्टकट होता है बच्चों, ये आपका एडजॉइंट है कौन सी कंडीशन में, जब टू ऑर्डर की आपको क्या दे रखो डिटर्मिनेंट दे रखा है, टू इंटू टू ऑर्डर की क्या दे रखी हो आपको मैट्रिक्स दे रखी हो, तो उस कंडीशन में आप शॉर्टकट ये लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक नोट लिख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा इस नोट को आप बहुत अच्छे से, ठीक है, कि क्या कहा है उसने आपसे, कि अगर मैं कहूँ आपसे इफ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो आ जाती है तो आप लिखेंगे देन ए इज अ सिंगुलर या नॉन इन्वर्टिबल, ठीक है बेटा, क्या है बेटा आपका नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। देखिएगा बेटा इन दोनों का ध्यान रखना, अगर कभी भी या तो आपको दे देगी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन इन्वर्टिबल आपकी मैट्रिक्स है, तो वहां पर कुछ कंडीशन दे देता है और के वगैरह डाल देता है इसमें नॉन वैल्यू, और वैल्यू पूछता है के की, तो हमने क्या करना होता है डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू को जीरो लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर नॉन इन्वर्टिबल लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमने समझना है, नॉन इन्वर्टिबल यानी जिसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। इन्वर्स कब फाइंड नहीं होगा आपका बेटा, ए इन्वर्स कब फाइंड नहीं होगा, जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी, क्यों आपका, क्योंकि यहाँ देखो ए इन्वर्स फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन डिटर्मिनेंट, अगर ये जीरो आ जाए तो ये तो नॉट डिफाइन कर देगा ना इसको, तो फिर क्या निकलना है, कुछ निकलेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जब आपका डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आती है जीरो आती है, और अगर आपका इसका उल्टा हो, इसका उल्टा क्या होगा आपको पता होना चाहिए, क्या होगा बेटा इसका उल्टा, इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो तो क्या होगा बेटा उस कंडीशन में, देन ए इज अ क्या बेटा आपका नॉन सिंगुलर या इन्वर्टिबल, क्या बेटा आपका आएगा इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। अब ये सारे के सारे प्रोसेसेस लेकर मैं आपका आगे बढ़ता हूँ, एंटर होते हैं हम किसमें, एक्सरसाइज में बच्चों, अच्छे से ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा एक्सरसाइज में एंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा बेटा एक्सरसाइज में आपको क्या कहा है उसने बच्चे, ध्यान से उसने कहा एडजॉइंट फाइंड करना है बच्चे, तो इसके लिए तो शॉर्टकट बता दिया था ना, यहाँ पर देखो इसको ए मान लीजिए आप, ठीक है, तो फर्स्ट वाले में एडजॉइंट ए आपका क्या आ रहा है, तो एडजॉइंट ए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आप क्या बताया था बच्चों मैंने अभी आपका, इन दोनों को क्या करते हैं इंटरचेंज, तो फोर आ गया फोर के प्लस पर वन, और इनके सिर्फ साइन चेंज माइनस टू और माइनस थ्री, साइन चेंज कर दिया आपका डायरेक्ट आंसर हो गया, यानी टू इंटू टू वाले में टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है, वो जो था ना कोफैक्टर निकालेंगे फिर ट्रांसपोज करेंगे तो वो नहीं करेंगे हम,
बट थ्री इंटू थ्री वाले में हमने करना पड़ेगा बच्चे, तो थ्री इंटू थ्री वाले में हम कर रहे हैं, तो थ्री इंटू थ्री वाले का आप जरा ध्यान से देखिएगा कि क्या आने भी आपका, ठीक है। तो आपको पता है कि उसने क्या लिख दिया है, मान लीजिए यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी ए ही मान लेता हूँ अभी फिलहाल में, तो क्या दे देगा, वन माइनस वन टू और ये टू थ्री और ये फाइव और माइनस टू और जीरो और बेटा आपका वन। अब मेरे बच्चों से ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली कोफैक्टर्स यानी ए वन वन, तो ए वन वन के लिए ये कट हो गया, थ्री की किस मल्टीप्लाई होगी बेटा, पहली बात तो ये प्लस आएगा क्योंकि ये इवन है, वन और वन का सम इवन है, थ्री की मल्टीप्लाई वन से थ्री और माइनस कर जीरो तो कितना आया बेटा आपका, ये थ्री आ गया। अब मैं लिख रहा हूँ बेटा आपका ए वन टू, वन टू आपका सम कितना है ओड। देखो ऐसे भी बता देते हैं कि भाई एक काम करते हैं ये ना, इसको ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, और जो इसमें नहीं आ रहा है इन सर्कल्स के अंदर नहीं आ रहा है यानी ये तो ये माइनस के होते हैं, बट मैं कहता हूँ यार ये रट्टा वट्टा छोड़ो, ठीक है, जब सीधी सीधी चीज है इवन ओड वाली, वन टू तो लिखना ही पड़ेगा ना आपको, तो वन टू जब लिखना ही पड़ेगा तो बेटर है, यहाँ पर सम कितना है ओड, ओड है तो माइनस लगा दिया। अब आप देखिएगा इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, तो टू आ रहा है और माइनस माइनस प्लस हो गया कितना बेटा आपका टेन आ रहा है, तो देखना मेरे बच्चों कितना हो, माइनस का ट्वेल्व हो गया। अब ए वन थ्री, वन थ्री में क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा क्योंकि सम कितना है इनका इवन है, तो वन थ्री वाले में आप देखिए कट मार दिया मैंने, तो टू की जीरो से तो जीरो और माइनस माइनस प्लस सिक्स, तो जीरो प्लस सिक्स आपका देन कितना है बेटा आपका सिक्स आ गई वैल्यू। आप देखिएगा बेटा ए टू वन, तो टू वन वाले में माइनस आएगा बेटा, पहली बात तो ये ओड है तो आप इसको हाइड कर दीजिए, देखिएगा तो माइनस वन की वन से भी माइनस वन और ये कितना है टू की जीरो से भी तो जीरो, तो कैसा बेटा माइनस माइनस प्लस का वन हो गया। और ए टू टू, ए टू टू में प्लस आएगा और कौन से वाले आएंगे, कॉर्नर्स वाले आएंगे, कौन से वाले आएंगे बेटा, ये आपको पता है कट जाता है, तो वन की वन से भी तो वन और माइनस आएगा लेकिन माइनस माइनस प्लस कितना बेटा फोर, तो कितना आ रहा है आपका प्लस का फाइव आ रहा है। और ए टू थ्री क्या है बेटा आपका, ए टू थ्री, तो मेरे बच्चों ए टू थ्री में माइनस आएगा और माइनस आएगा तो आप देखिएगा टू थ्री में मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा ये जीरो और ये माइनस का टू आ रहा है, क्योंकि आ रहा है जीरो और माइनस टू, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा आपका प्लस का टू हो गया। इसी तरह से यहाँ पर बेटा थ्री वन, तो थ्री वन में क्या आएगा आपको पता होना चाहिए, थ्री वन में क्या आना है बेटा आपका प्लस आना है, थ्री वन में आप देखिए ये हाइड कर लिया आपने, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है माइनस का फाइव आ रहा है और माइनस का सिक्स आ रहा है बेटा आपका, तो कितना है माइनस का इलेवन आ गया। और ए थ्री टू तो कितना आएगा बेटा माइनस का आएगा, माइनस का क्योंकि ओड है, थ्री टू में इसको हाइड कर लिया बेटा मैंने, तो आपका वन की फाइव से भी फाइव और माइनस का फोर, तो फाइव माइनस फोर टेन कितना आ रहा है माइनस वन आ रहा है। और ए थ्री थ्री ये लास्ट को फैक्टर है बेटा हमारा, तो ये क्या आएगा बेटा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव जब ये हो जाएगा तो आप क्या करेंगे थ्री और माइनस माइनस प्लस टू, तो थ्री प्लस टू देन कितना आ रहा है बेटा आपका प्लस का फाइव आ रहा है। अब आपने करना क्या, अभी आपसे तो उसने एडजॉइंट ए पूछा है ना, तो आप देखिएगा एडजॉइंट ए आप निकाल दीजिए आप इसमें फटाफट। अरे भाई एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला कि भाई हम क्या लिखेंगे ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री और ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री और यहाँ पर इसका ट्रांसपोज, तो लिख दीजिए बेटा सबकी वैल्यूज। तो क्या है बेटा आपका थ्री है, यहाँ पर कितना बेटा आपका माइनस का ट्वेल्व है, वहां पर कितना बेटा आपका सिक्स है, यहाँ देखिएगा क्या है वन है, ये आपका कितना बेटा फाइव है, ये आपका कितना बेटा आपका टू है, इसी तरह देखिए माइनस का इलेवन है और यहाँ पर कितना बेटा आपका माइनस का वन है और यहाँ पर कितना बेटा आपका फाइव है। और अब इसका ट्रांसपोज लिख दीजिए, बस आपका आंसर हो गया। ट्रांसपोज आप लिखेंगे तो क्या आना है आपको पता है, ये थ्री माइनस ट्वेल्व सिक्स है ना, तो ऐसे लिख दीजिए थ्री माइनस ट्वेल्व सिक्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का क्या बना दीजिए आप इसमें सेकेंड कॉलम, थर्ड रो का क्या बना दीजिए आप इसमें थर्ड कॉलम बेटा, ये आपने बना दिया, ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर ही आ गया। अच्छा अगर ए इनवर्स निकालना होता तो ए इनवर्स के लिए हम क्या करते, डिटरमिनेंट ए से इसको डिवाइड कर देते, यहाँ पे लिख देते वन अपॉन करके आ जाता, लेकिन अभी नहीं करा रहा मैं क्योंकि आगे आना तो है ही, तो आप देखिए इसको फटाफट ये आपके कॉन्सेप्ट में आपको करा दी है। नेक्स्ट पर चलते बेटा, कोई नहीं, ये देखो तो काफी बड़ा सा क्वेश्चन कराया बेटा, तो ये वाला ये कह रहा है इतना सारा वेरीफाई कर दो आप, तो भैया देखो एक सीधी सी बात है, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना, तो मैं टू इंटू टू वाले में तो मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है, थ्री इंटू थ्री वाले में आप खुद करना, और करना जरूर सच में, इससे ना प्रैक्टिस होगी बेटा, ठीक है, तो टू इंटू वाले में कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा ए इंटू एडजॉइंट है, तो पहले मैं थर्ड क्वेश्चन में ना एडजॉइंट ए ही निकाल लेता हूँ भाई, एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपको पता है तो शॉर्टकट से निकल जाता है, इनको एक्सचेंज कर देंगे माइनस सिक्स और टू और इनके साइन चेंज कर देंगे, माइनस थ्री और ये माइनस का प्लस हो जाएगा फोर, ये आपने निकाल लिया। अब आप क्या करने वाले हैं, एल एच एस ले रहे हैं इसमें, तो आप देखिएगा एल एच एस,
इंटू में एडजोइंट ए, तो ध्यान से देखिएगा, तो LHS में आपने ये कर लिया बेटा, A इंटू में एडजोइंट है A, A की वैल्यू कितनी बेटा आपकी, A की वैल्यू थी 2 माइनस का 4, 3 माइनस का 6, और बेटा एडजोइंट ऑफ A, एडजोइंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आई है माइनस 6 और बेटा माइनस 3, और ये आपका 4 और 2, अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, किस किस से करेंगे, भूले तो नहीं हो मैट्रिक्स वाला, 2 6 जा 12 बेटा, ठीक है माइनस का, और 3 4 जा 12 बेटा, किसका प्लस का, देखिएगा 2 6 जा 12 माइनस का, और 3 4 जा 12 किसका बेटा प्लस का, अब इस किस से करेंगे, तो 2 3 जा 6 किसका बेटा माइनस का, और 3 2 जा 6 किसका बेटा आपका प्लस का, अब आप यहाँ पर देखिएगा बेटा, इसकी अगर मैं इससे करूंगा, इसकी किससे कर रहा हूँ बेटा आपका, यहाँ से देखिए इसकी इससे, तो ये कितना आ रहा है 4 6 जा बेटा आपका 24 और माइनस का 24, और इसकी इससे करूंगा तो कितना आ रहा है माइनस का बेटा आपका प्लस का 12 और माइनस का 12, कुल मिला के भैया ये आपका नल मैट्रिक्स आ गई है, ये रही आपकी, ठीक है ये रहा आपका। अब आप इसमें क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, अब आप इसमें लेंगे मिडल टर्म, है ना, LHS ले ली ना, तो मिडल वाली ले लीजिए, मिडल साइड ले लीजिए, मिडल टर्म ले लीजिए, तो मिडल टर्म क्या है आपकी, मिडल टर्म में बेटा आपकी एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू में आपका ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना था बेटा आपका माइनस 6 माइनस 3 4 और 2, और जबकि ए, ए की वैल्यू कितनी थी 2 3 और माइनस 4 और माइनस 6, अब आप इनकी इंटू कर लीजिए बेटा, तो आप इनकी इंटू करेंगे तो कितना आ रहा है माइनस का 12 आ रहा है बेटा आपका, ये प्लस का 12 आ रहा है, इसकी इससे करेंगे तो कितना आ रहा है आपका बेटा माइनस का 18 आ रहा है और प्लस का भी 18 ही आ रहा है, इसकी इससे करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा आपका 8 आ रहा है माइनस का 8 आ रहा है, इसकी इससे करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा आपका 12 आ रहा है माइनस का 12 आ रहा है, तो ये क्या आ गया बेटा हमारा 0 0 0 और 0। अब आप क्या करेंगे बेटा RHS ले लेंगे, तो RHS के लिए पहले आपको डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू चाहिए ना, तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए आप पहले, तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा है आप देखिएगा ध्यान से भाई, 2 माइनस 4 और 3 और माइनस 6, आप इसका डिटर्मिनेंट जब फाइन करेंगे तो कैसे होगा आपका, आपको पता है माइनस का 12 और ये आपका माइनस माइनस प्लस का 12, तो कितना आ गया आपका 0 आ गया। अब आप क्या करने वाले हैं बच्चों, आप करने वाले हैं RHS लेंगे, तो RHS हमारी क्या है इसमें, RHS है बेटा आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है भैया आपकी 0 है, और आई की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये रही आपकी, ठीक है, और जब 3 वाले लेंगे तो 3 इंटू 3 ऑर्डर की आ जाएगी, तो 0 के अंदर इंटू करूंगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये सारे के सारे आपके इक्वल आ गए बेटा, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो, मिडिल टर्म हो, या आपकी राइट हैंड साइड हो, सब आपका इक्वल आ चुका है। अब ये मैं सोचने की 0 0 ही आता है क्या हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वैल्यू कुछ भी आ सकती है आपकी, बट इक्वल आएंगे तीनों ये कन्फर्म है, तो 3 × 3 वाला आप खुद करेंगे प्रैक्टिस में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें बेटा, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम इसमें, उसने क्या कहे इनवर्स निकालना है, कहां से लेके कहां तक बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक, तो मैं आपको इनवर्स निकलवाऊंगा सिर्फ कुछ क्वेश्चंस का, एक 2 × 2 वाले का निकलवा देता हूं, एक 3 × 3 वाले का, एक और बीच में 3 × 3 वाले का निकलवा दूंगा, आप देखिएगा इनवर्स जिसको फाइंड करना आ गया समझो उसका क्वेश्चन पक्का लॉन्ग क्वेश्चन जहां हमने पहुंचना है, तो अब जरा देखिएगा बेटा कंसंट्रेशन के साथ, है ना, तो यहां पर क्या है हमारा, पहले हमने इसको ए मान लिया बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में, तो फिफ्थ क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट हमारा कैसा आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है 2 3 6 और माइनस माइनस कितना बेटा आपका प्लस आ रहा है कितना 8, तो कितना आ गया 14 आ गया बेटा, 14 आपका ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है ए इनवर्स, तो आपको पता है ए इनवर्स क्या होता है 1/ डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये आपका निकल गया बेटा 1/ आपने 14 लिख दिया, ठीक है, और ये शॉर्टकट में एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, इनको चेंज कर देंगे 3 और 2 को, और इनके साइन चेंज कर देंगे प्लस, और ये वाला आपका बेटा माइनस, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए फिर कोई नहीं, अब मैं आपको कौन सा कराऊंगा, 7th वाला कराऊंगा, तो 7th वाले को ध्यान से देखेंगे बेटा पूरे कंसंट्रेशन के साथ कि उसने क्या दे रखा आपको, उसने 7th वाले क्वेश्चन में, है ना, 7th वाला जो क्वेश्चन है उसने आपको क्या दे रखा बेटा उसमें 100, और ध्यान से देखना बेटा जो मैं सेंस दूंगा इसको समझने का आपको वो समझना प्लीज, है ना, ये भी मैंने यही मान लिया, ठीक है कोई नहीं, ग्रीन वाला है ना, वो ब्लैक वाला है था, ये ग्रीन वाला है, तो ध्यान से देखो बच्चों इसमें क्या आ रहा है बेटा आपका A11, आपको पता है तो प्लस में आता है, आपको पता है ये हाइड कर लूंगा मैं, तो भैया 2 5 10 हो गया, माइनस का 4 0 0, ये आपका 10 आ गया। अब आपका क्या करने वाला हूँ, A12 माइनस में आएगा क्योंकि सम ओड है, तो 1 2 वाला ये आ गया बेटा आपका 1 2 वाला, तो क्या आएगा बेटा आपका 0 की 5 से 0 0 की 4 से तो 0 0 माइनस 0 देन 0, A13 किसका आएगा बेटा आपका प्लस का आएगा, तो आप देखिएगा क्या आ रहा है आपका 0 की 0 से तो 0 और माइनस 2 की 0 से तो 0, तो 0 ही आ गया हमारा।
अब देखिएगा बेटा, समझ रहे हैं ना आप, इसमें इस वाले का भी जीरो आ गया और इसका जो निकाला था ये भी जीरो आ गया था। अब देखिएगा बेटा, ए टू वन, तो टू वन में क्या आएगा, माइनस आएगा, और किसको हाइड करेंगे हम, इसको बेटा, देखिएगा इस जीरो को हाइड करना है, तो ये कर लिया मैंने, तो टू फाइव का टेन और माइनस टेन, माइनस क्या बेटा आपका जीरो, तो कितना है माइनस का टेन आ गया, और ए टू टू बेटा प्लस होता, आपको पता है ये वाला आएंगे आपके वन फाइव का फाइव और क्या बेटा आपका जीरो, तो ये आपका फाइव हो गया, और ए टू थ्री बेटा माइनस में आना है क्योंकि सम ऑड है हमारा फाइव, टू थ्री फाइव, तो माइनस में आना है, तो इसको हाइड कर दो बेटा मैं फोर को, है ना, तो आप क्या करेंगे, वन की जीरो से जीरो, जीरो माइनस जीरो, देन जीरो माइनस जीरो, आपका जीरो आ गया। अब क्या करेंगे बेटा हम, थ्री वन, तो थ्री वन वाले में क्या करेंगे बेटा, प्लस में लेंगे क्योंकि इसका सम कितना है आपका इवन है, तो आप देखिए इसको आपने हाइड कर लिया, ठीक है, तो टू फोर जा एट और माइनस थ्री टू जा सिक्स, तो कितना है बेटा आपका टू आ गया, और ए थ्री टू, ए थ्री टू में क्या करेंगे बेटा, माइनस आएगा क्योंकि सम ऑड है हमारा, तो थ्री टू में इसको हाइड कर लिया बेटा हमने जीरो को, तो वन फोर जा फोर और माइनस जीरो, तो कितना है बेटा माइनस का फोर आ गया। अब आप देखिएगा ए थ्री थ्री, ए थ्री थ्री में क्या बेटा आपका ये हाइड हो गया, तो आपका क्या आएगा टू और माइनस जीरो, तो क्या आ बेटा आपका टू माइनस जीरो, तो कितना है आपका टू आ गया। अब आपको पता है कि आपको डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू भी चाहिए, भैया डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू देखो सबसे पहले निकालूंगा, और कैसे निकालूंगा, वो पूरी वाली नहीं कर निकालूंगा बल्कि इजिएस्ट वे में निकालूंगा, वैसे तो मैं चाहूं तो इसके अकॉर्डिंग निकाल सकता हूँ सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन अभी आपको क्या है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अभी इतना तगड़ा भी शॉर्टकट नहीं दे रहा मैं आपको, अभी एक सिंपल वे बता रहा हूँ आपको कि यूनिफॉर्मली हम क्या करेंगे, तो मुझे करना है फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकालूंगा मैं, तो क्या है भैया आपका ए वन वन, ए वन वन, ए वन टू, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये वाली लाइन, और ए वन थ्री और ए वन थ्री, आप देखिए ए वन वन कितना है बेटा आपका वन, और कैपिटल ए वन वन कितना है आपका टेन, अब भैया ए वन टू कितना आपका टू, और कैपिटल ए वन टू कितना आपका जीरो, और ए वन थ्री कितना आपका थ्री, और कैपिटल ए वन थ्री कितना आपका जीरो, तो आप देखिएगा इसमें ये जीरो, तो कितना आ रहा है आपका सिर्फ टेन आ रहा है बेटा, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई। अब डिटर्मिनेंट ए तो आ गया भैया, ए इनवर्स कैसे निकालते थे, दो ए इनवर्स का आपको याद दिला देता हूं मैं आपको, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है बच्चों, और क्या होगा आपका, आप इसमें क्या करेंगे बताइए, एड जॉइंट, चलो लिख देता हूं मैं एक बारी, है ना, क्या होगा आपका एड जॉइंट ऑफ ए, तो क्या करने वाले हम इसमें वन अपॉन टेन लिखने वाले हैं, और बेटा यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये वैल्यू लिख लेंगे, अब डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना डायरेक्ट वैल्यूज क्या लिख रहा हूँ मैं आपकी, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे डायरेक्ट वैल्यूज क्या लिख रहा हूँ, तो ये वाली वैल्यूज लिख रहा हूँ सीधी, क्या है बेटा आपका टेन है, और क्या है बेटा आपका जीरो है, फिर से जीरो है, यहाँ पर देखिए बेटा माइनस का टेन है, और क्या है बेटा आपका फाइव है और जीरो है, और यहाँ देखिए बेटा थर्ड में तो ये आपका टू है, यहाँ माइनस का फोर है, और वहां पर बेटा आपका टू है, इसका ट्रांसपोज, तो आप देखिएगा वन अपॉन टेन बाहर ही रहा, और ट्रांसपोज लिखना है ना, तो टेन जीरो जीरो को हम ऐसे लिखेंगे, टेन जीरो जीरो, इसको लिखेंगे बेटा माइनस टेन और ये फाइव और जीरो, और इसको लिखेंगे बेटा हम टू और माइनस फोर और टू, ये हमने लिख दिया बेटा, ये फाइनली हमारा आंसर हो गया, क्या फाइंड हो गया हमारा, ए इनवर्स फाइंड हो गया, तो अगर थ्री इंटू थ्री वाला भी निकालेंगे तो उसमें टाइम भी कैसे बचाना है, तो मैंने आपको वो प्रैक्टिस भी करा दी, तो जरा ढंग से देखना है इसको, ठीक है। अब देखो एक और करा रहा हूँ बस मैं इसमें थ्री इंटू थ्री वाला नेक्स्ट इसमें, क्योंकि आप लोगों को क्या एक आदत होती है थ्री को वाले को देखकर थोड़ा सा डरने की, है ना, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो आप देखिएगा बच्चों ये आपका 11, तो 11 में आपको क्या दिया उसने, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं निकाल रहा हूँ ए वन वन, ठीक है, ए वन वन वाले में हाइड कर लो, तो इसकी कोस की कोस से होगी, तो क्या आएगा बेटा आपका माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा, और इसकी इससे होगी तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, बेटा माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा आपका, आपको पता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और बचपन से 1000 बार पढ़ चुके हैं आपके, क्या होता है वन होता है, तो माइनस वन आ गया। अब ए वन टू तो किस में आना है, माइनस में आना है ए वन टू, तो ये माइनस में आ गया जीरो माइनस जीरो, तो क्या है बेटा आपका जीरो माइनस जीरो, तो कितना हुआ जीरो, और ए वन थ्री, ए वन थ्री वैसे आना है किसमें बेटा आपका प्लस में आना है, ए वन थ्री किसमें आना है प्लस में, तो आप देखिएगा इसके अकॉर्डिंग तो क्या आएगा जीरो माइनस जीरो, ये भी क्या आ रहा है बेटा आपका जीरो ही आ रहा है, ठीक है। अभी ध्यान से देखना बेटा इसमें ए टू वन, ए टू वन आपका माइनस में आएगा, ए टू वन में आप देखिएगा ये जीरो माइनस जीरो, तो जीरो माइनस जीरो पूरा क्या आना है जीरो आना है, और ए टू टू,
आना है बेटा माइनस का कॉस अल्फा, क्योंकि वन से हुई और ये आपका जीरो, तो बेटा कुल मिला के क्या आ गया माइनस का कॉस अल्फा। और ए टू थ्री तो किस में आना है बेटा, माइनस में आना है, तो ए टू थ्री में ये आएगा बेटा, आप ध्यान से देखिएगा ये आ रहा है आपका, तो क्या आ रहा है साइन अल्फा माइनस जीरो, क्या आ रहा है मेरे बच्चों साइन अल्फा माइनस जीरो, तो कुल मिला के क्या हो माइनस का साइन अल्फा। अब देखिएगा ए थ्री वन, तो थ्री वन में क्या आना है बेटा आपका प्लस में आना है, तो ए थ्री वन में देखिएगा ये आपका आपने कट मार दिया इस पर, ठीक है ये तो जीरो माइनस जीरो, तो जीरो माइनस जीरो तो कितना आना है जीरो आ रहा है। ए थ्री टू, तो ए थ्री टू पे माइनस आना है आपको पता है, तो आप इसको हाइड करेंगे बेटा, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है साइन अल्फा माइनस जीरो, तो क्या आ रहा है बेटा साइन अल्फा माइनस जीरो, तो क्या हुआ माइनस का साइन अल्फा। और बेटा आपका ए थ्री टू थ्री थ्री सॉरी तो क्या आना है बेटा प्लस में आना है। अब आप देखिए इसको हाइड कर लिया आपने, तो ये आया कॉस अल्फा माइनस जीरो, क्या है बेटा आपका कॉस अल्फा माइनस जीरो, तो कितना हुआ आपका कॉस अल्फा ही हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपको वैल्यू निकालनी भी सिखाई थी ना मैंने, जस्ट कैसे आपका ये निकालना है ना आपने, अब देखो फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा मैं, बल्कि क्या कीजिए वन लिखिए, ठीक है वन, और ये वाली वैल्यू लिखिए कितनी वैल्यू थी आपकी माइनस वन है ना, इसके आगे क्या है जीरो, तो जीरो तो वैसे कुछ भी लिखो लिखने की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी लिख देता हूँ अभी फिलहाल समझाने को, ये वैल्यू क्या आनी थी ये वाला जीरो, फिर से आपका क्या है जीरो, और वैल्यू क्या आनी थी वो वाला जीरो, तो जीरो ही रहेगा आपको पता है, तो माइनस वन आ गया आपका, ठीक है अभी माइनस वन तो आ गया आपका। अब आप देखिएगा इसमें आगे क्या करने वाले हैं, तो आपको सब पता है बड़े अच्छे से कि भैया ए इनवर्स जब आप निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, ये करते हैं आप इसमें, ठीक है आपको ये करना होता है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी थी आपकी माइनस वन थी, और अब आप इसकी वैल्यू लिख दीजिए एडजॉइंट ए की, तो एडजॉइंट ए की सीधी सीधी वैल्यू लिखिए, क्या आपका माइनस वन है, फिर आपका जीरो है, फिर से आपका जीरो है, यहाँ पर भी आपका जीरो है, यहाँ पर आपका माइनस का कॉस अल्फा है, यहाँ पर आपका माइनस का साइन अल्फा है, और यहाँ पर बेटा आप देखिएगा ध्यान से ये जीरो, और ये भी माइनस का साइन अल्फा ही है, और ये वाला आपका बेटा क्या है कॉस अल्फा, इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज तो यही, अब आप देखिएगा बाहर माइनस वन ही रहा अभी फिलहाल, इसका ट्रांसपोज लिख दीजिए माइनस वन जीरो जीरो, और क्या रहेगा बेटा जीरो माइनस का कॉस अल्फा, और ये वाला माइनस का साइन अल्फा, ये आपने लिखा, और बेटा इसको लिख दीजिए जीरो और माइनस का साइन अल्फा, और ये बेटा आपका कॉस अल्फा आपका ऐसे थे, हालांकि कोई फर्क ही नहीं पड़ा इसका, मतलब ये कौन सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन आप माइनस को अंदर भेज रहे हैं, अंदर भेज दीजिए अकेला माइनस वन ही तो है, तो सबके साइन चेंज कर दीजिए, तो वन जीरो जीरो, और ये बेटा आपका जीरो कॉस अल्फा, और ये बेटा आपका साइन अल्फा, जबकि आप यहाँ क्या लिखेंगे जीरो, और ये आपका साइन अल्फा, और ये वाला हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा, ये आपकी वैल्यू फाइंड हो गई है बच्चों, ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे आपको किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं तो वो देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी है ना, लेकिन इसको शॉर्टकट से करते हैं तो आसानी से होता है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है तो क्या आ रहा है बेटा आपका, आप देखिए बेटा उसने कहा ए इंटू बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और ये फॉर्मूला भी होता है मेरे बच्चों है ना, ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला भी होता है, ये भी होता है, और अगर हम ए इंटू बी इंटू सी का होल इनवर्स निकालेंगे ना, तो क्या आता है सी पहले फिर बी उसके बाद फिर ए उसके बाद, ये भी फॉर्मूला होता है ध्यान रखना, ठीक है वेरीफाई ये कराने को देता है, टू इंटू टू की मैट्रिक्स देता है, थ्री इंटू थ्री की नहीं देता इसमें स्पेशली, ठीक है क्या देता है टू इंटू टू की देता है, तो बड़े ध्यान से देखना बेटा आपने इसमें, तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, आप देखिएगा ए दे रखा है बी दे रखा है आपको, ठीक है और ए इंटू बी भी निकालना है वैसे तो हमने, तो ए इंटू बी निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो भाई मैंने क्या किया ए इंटू बी निकाला, ए इंटू बी कितना आ रहा है आपका थ्री टू सेवन फाइव, अब ये इंटू में बी कितना आपका सिक्स सेवन और क्या बेटा एट और नाइन, तो आप देखिएगा बच्चों क्या आ रहा है आपका थ्री सिक्स दा कितना हो रहा है बेटा आपका एटीन, और प्लस में बेटा आपका सेवन सेवन दा फोर्टी नाइन, देखिएगा थ्री एट दा कितना हो रहा है बेटा आपका ट्वेंटी फोर, और प्लस में बेटा आपका सेवन नाइन दा सिक्सटी थ्री, देखिएगा बेटा टू सिक्स दा ट्वेल्व, और प्लस फाइव सेवन दा कितना हो रहा है बेटा आपका थर्टी फाइव, अब आप देखिएगा टू एट दा सिक्सटीन, और बेटा नाइन फाइव का कितना होगा फोर्टी फाइव, अब देखिएगा मेरे बच्चों यहाँ पर कितना आ रहा है नाइन और एट आपका सेवन, और ये आपका बेटा सिक्स, और ये कितना बेटा आपका थ्री और फोर आपका बेटा सेवन, और सिक्स और टू आपका बेटा
एट। यहाँ देखिएगा टू और फाइव आपका कितना बटा आपका सेवन, और जबकि थ्री और वन कितना बटा आपका फोर, और यहाँ देखिएगा सिक्स और फाइव आपका बटा इलेवन, और फोर वन फाइव सिक्स हो गया। अब आपको क्या चाहिए बेटा इसमें, a इंटू बी का होल इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए बेटा, होल इनवर्स। तो a इंटू बी का डिटरमिनेंट भी चाहिए होगा, तो a इंटू बी का फर्स्टली डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। तो डिटरमिनेंट देखिएगा क्या आ रहा है आपका, 67 इंटू में 61, और माइनस में क्या आएगा बेटा आपका 47 और इंटू में 87। तो आप देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई क्या आ रही है। अब ये मत सोचना कि भैया ये मुझे आती है मल्टीप्लाई, है ना, ठीक है, ये मत सोचना कि ये आती है मुझे मल्टीप्लाई, ये तो मैंने साइड में कहीं लिख रखी है ना, चुपके चुपके देख रहा हूँ मैं, ठीक है, समझना, तो आप कर लेना। अब आप देखो ये आपका फोर और एट नाइन आ रहा है, तो माइनस का टू आएगा बेटा ये फाइनली आपका। अब आप क्या करेंगे, एल एच एस लेंगे मेरे बच्चों, क्या करेंगे हम इसमें, एल एच एस लेंगे, और एल एच एस क्या है हमारी, ए इंटू बी का होल इनवर्स, यानी कि हम क्या करने वाले हैं, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और एड जॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। तो आप देखिएगा बच्चों वन अपॉन, ये तो आपको डायरेक्टली पता है माइनस का टू है, और ये शॉर्टकट पता है आपको इसका, शॉर्टकट क्या पता है कि इनको तो इंटरचेंज करेंगे 61 और ये 67, और इनके साइन चेंज करेंगे माइनस का 87, और क्या करेंगे बेटा 47 पे भी माइनस। ये एल एच एस हमने सॉल्व करके छोड़ दी, ठीक है, छोड़ रहा हूँ मैं आपका ये, ठीक है बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, आर एच एस के लिए क्या निकालना है बेटा, हमने पहले बी इनवर्स निकालना है फिर ए इनवर्स निकालना है, तो बी इनवर्स निकाल लेते हैं पहले। तो बी इनवर्स के लिए भैया सबसे पहले बी का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, बी का डिटरमिनेंट क्या आएगा आपका, देखिएगा 67 और ये आपका क्या है 8 और 9, तो क्या आ रहा है आपका 54 और ये आपका कितना 56, तो कितना हो माइनस का 2। लगे हाथों ए का भी निकाल लीजिए, निकालना तो पड़ेगा, तो ए का क्या है बेटा आपका 3, 2 और 7 और 5, तो कितना आ रहा है आपका बेटा 15 और माइनस का बेटा 14, तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो अब यहीं के यहीं बी इनवर्स निकाल लीजिए आप इसमें, ठीक है, बी इनवर्स, बी इनवर्स आपको पता है कैसे आएगा, वन अपॉन डिटरमिनेंट बी और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा बेटा, है ना। तो देखिएगा आपको पता है बड़े अच्छे से इसकी वैल्यू कितनी, माइनस का टू, और इसका शॉर्टकट से निकाल लीजिए क्या, नाइन और सिक्स, और इनके साइन चेंज कर दीजिए बस, किसका, इन दोनों के, ये आ गया आपका बी इनवर्स। अब देखिएगा ए इनवर्स, ए इनवर्स का आपको पता है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए और इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो देखिएगा इसका डिटर्मिनेंट तो आपका क्या बेटा वन आ चुका है, और यहाँ क्या लिखेंगे हम इसको बेटा, ये थ्री, थ्री की जगह सॉरी, इनको तो इंटरचेंज करते हैं ना, तो फाइव और थ्री और इनके साइन चेंज करते हैं, तो माइनस टू और माइनस का सेवन बेटा। अब आपने करना क्या है इसमें, अब इसमें आपने बेटा आर एच एस लेनी है, तो आर एच एस क्या है हमारी, आर एच एस है मेरे बच्चों B इनवर्स इंटू में A इनवर्स, B इनवर्स की वैल्यू कितनी है, माइनस वन अपॉन टू, ये समझ लीजिए, या नीचे दे दो आप इसमें माइनस, जहाँ एल एच एस में है, ठीक है, तो माइनस टू और क्या बेटा आपका माइनस सेवन, माइनस एट और ये आपका सिक्स, और इंटू में आपका ये, देखो वन का तो क्या ही लिखूँ, तो क्या है बेटा आपका फाइव है, माइनस टू है, माइनस सेवन है, और बेटा आपका थ्री है। तो मेरे बच्चों बड़े ध्यान से देखना है हमने इसमें कि क्या है आपका, वन अपॉन माइनस टू तो बाहर ही रखूंगा, उसको तो डिस्टर्ब ही नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि तो एल एच एस में भी आया हुआ है मेरा। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा इसकी इससे, तो नाइन फाइव का कितना बेटा आपका 45, और बेटा ये कितना माइनस माइनस प्लस, एट टू था 16। अब देखिए इसकी इससे कर रहा हूँ, तो बेटा नाइन सेवन से कितना होगा बेटा आपका 63, और क्या होगा बेटा माइनस का कितना होगा 3 8 24। अब देखिएगा इसकी इससे कर रहा हूँ, तो कितना आ रहा है बेटा माइनस का 35 आ रहा है, और यहाँ पर बेटा कितना आ रहा है माइनस का 12 आ रहा है। अब देखिएगा इसकी इससे, तो 77 का 49 आ रहा है बेटा आपका, और जबकि आपको पता है 6 की 3 से करूँगा तो कितना आ रहा है 18 आ रहा है आपका। अब आप इसको पूरा का पूरा लिख लीजिए, वन अपॉन माइनस टू आपका एज इट इज था बेटा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा 6 और 5 कितना बेटा आपका 11, और ये आपका 61 हो गया। अब देखिएगा वो कितना आ रहा है आपका माइनस का, ठीक है, फोर और थ्री आपका सेवन और टू और एट, यहाँ देखिएगा माइनस का बेटा आपका टू और फाइव सेवन आपका, और बेटा आपका थ्री और वन फोर, और इसी तरह से देखिएगा एट और नाइन कितना आपका 17, और बेटा आपका ये भी कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब देखिए दोनों को, ये देख लीजिए बेटा और ये देख लीजिए, बस हम क्या लिख देंगे कि भैया जो हमारी एल एच एस है ना वो हमारी आर एच एस के इक्वल आ चुकी है। इसी में आप एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल दे रखा है इससे पहले, इस एक्सरसाइज से जस्ट पहले, वो इजी पड़ेगा क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन इजी है, या थोड़ी सी कैलकुलेशन टिपिकल दे रखी थी तो उसको ढंग से देख लीजिएगा प्लीज, और
ये वाली कैलकुलेशन है ना, इसमें भी आपको डबल टाइम लगेगा ना, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करोगे तो कोई नहीं, मल्टीप्लाई करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है मेरे बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है बेटा आपका, इसमें देखिएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दे रखा है बेटा आपको, और है फाइन ए इनवर्स, ए इनवर्स भी पूछा है। तो पहले ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हम मैट्रिक्स से जानते हैं कि भाई ए स्क्वायर कैसे निकालते थे, तो ए स्क्वायर का हमें पता है, ए इंटू ए हमें पता है, तो ए लिखिए 3-1 और 1 और 2, और बेटा दोबारा से लिखिए 3-1 और 1 और 2, और अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, मल्टीप्लाई कर लो मैं, तो देखिएगा 3-3 9 आ रहा है बेटा, माइनस का 1 आ रहा है, अब देखिएगा 3-1 3 आ रहा है बेटा, और ये आपका 2-1 2 आ रहा है, ये देखिएगा इसकी इससे करूंगा तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और ये बेटा आपका माइनस का 1 आ रहा है। ठीक है, ओ सॉरी गड़बड़ हो गई बेटा, देखिए सेकंड रो की, सेकंड रो की कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा माइनस का 3 आ रहा है और माइनस प्लस माइनस का 2 आ रहा है, अब देखिएगा ये माइनस का 1 आ रहा है बेटा, और ये आपका प्लस का 4 आ रहा है, तो आप देख लीजिएगा इसको, ये कितना आपका 8 हुआ, ये आपका 5 हुआ, ये आपका बेटा माइनस 5, और ये आपका 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ए स्क्वायर निकालने में। अब आपने क्या किया बेटा, एल एच एस ले ली इसमें मेरे बच्चों, तो एल एच एस में आपने करना क्या है, ए स्क्वायर माइनस का 5a और क्या बेटा आपका माइनस नहीं प्लस 7a 7i, तो ए स्क्वायर की वैल्यू रख लीजिए, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा हमारी 8 और माइनस का 5, और 5 और 3, अब ध्यान से देखिएगा माइनस का 5 और a, a की वैल्यू लिखिएगा 3-1 और बेटा आपका 1 और 2 और प्लस का 7i, i हम लेंगे इसमें 2 × 2 वाला बेटा, कौन सा लेंगे हम इसमें 2 × 2 वाला, क्योंकि बाकी सब भी 2 × 2 के ऑर्डर में है। तो देखिएगा बड़े ध्यान से बेटा, 8 और ये 5 और माइनस 5 और ये बेटा आपका 3 और माइनस 5, 3 था आपका 15, 5 और माइनस का 5 बेटा आपका, और 5 × 2 = 10 हो गया आपका अंदर जाकर, और प्लस बेटा ये आपका 7 और 0 0 और 7 हो गया, 7 के अंदर मल्टीप्लाई करके, तो आप देखिएगा बेटा 8 और ये प्लस का 7 कितना 15, 15 में से 15 गया 0 बचा, 5 में से 5 गया 0, सब कुछ आपका क्या आ रहा है 0 0 आ रहा है, आप आराम से चेक कर लीजिएगा। ठीक है 0 0 0 0 और ये आपकी नल मैट्रिक्स हो गई यानी ओ, तो आर एच एस आ गई हमारी, ये आ गई हमारी आर एच एस, हम ला चुके हैं। ठीक है खतरनाक आर एच एस हो गए तो आप ध्यान से देखना इसमें आर एच एस। ठीक है, अब उसने ये ए इनवर्स और फाइन करा दिया। ठीक है, ये मैंने आपको मैट्रिक्स में भी बताया था है ना, ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मेन चीज है कॉन्सेप्ट। अभी तो यहाँ पर उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर दी है, क्वाड्रेटिक दी है ना ए स्क्वायर, अगर ए क्यूब दे देता तो उस कंडीशन में क्या करते, भाई ए स्क्वायर साइन किया था ना, तो हम क्या करते ए स्क्वायर इंटू ए यानी ए क्यूब भी निकालते, निकालना पड़ता। ठीक है, और पहले सॉल्व करते फिर, अब मेन चीज है कि ए इनवर्स हम कैसे फाइन करते हैं, तो ए इनवर्स यहाँ देखिएगा, जो हमें गिवन इक्वेशन दी है वो तो प्रूव हो चुकी है ना, तो जब वो प्रूव हो चुकी है तो उसको लिख लीजिए, यूज कर सकता है। ठीक है 5 है और क्या बेटा आपका प्लस का 7i और इक्वल टू में बेटा आपका 0 यानी ओ, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मल्टी, कौन सी वाली मल्टीप्लाई बेटा आपकी, मैंने लिखा है यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। देखिएगा ए इनवर्स से मैं आपकी पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसमें पोस्ट का मतलब होता है ए स्क्वायर के लास्ट में लिखेंगे हम इधर, माइनस 5a के लास्ट में लिखेंगे हम ए इनवर्स, और प्लस 7i के साथ में लिखेंगे हम ए इनवर्स, और 0 इंटू ए इनवर्स। तो अब देखिएगा आप ध्यान से, इसमें 2 में से 1 गई, देखो पोस्ट मल्टीप्लाई का मीनिंग समझ गए ना, कि कहाँ लिखते हैं, इधर नहीं लिखेंगे उधर लिखते हैं, उधर क्यों, क्योंकि लेफ्ट में आपका नंबर्स आते हैं ना, तो ये नंबर्स डिस्टर्ब होंगे, फिर इसको इधर लाएंगे उधर लेके जाएंगे, तो बेटर वे है कि आप क्या कर देते हैं इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। तो अब देखिएगा 2 में से 1 पावर गई तो 1 बची बेटा आपकी, अब देखिएगा यहाँ पर 1 है ये माइनस 1 है तो 0 हो गई पावर, जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन 1 मैट्रिक्स में क्या होता है i, और बेटा i यानी 1 1 से जिसकी मल्टीप्लाई होती है वही आता है आपका ए इनवर्स आ गया आपका, और सामने 0 की किसी से भी करो 0 आता है यानी ओ का ओ रहेगा आपका। तो अब देखिएगा कुल मिला के बेटा 7 ए इनवर्स यही रखा आपने, 5i उधर जाकर क्या हो गया आपका बेटा प्लस, 5i क्या हो गया आपका ये प्लस, और ये ए उधर जाकर बेटा माइनस। तो अभी आप देखिएगा इसमें, अभी आप पूरी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से किसकी ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स आपका क्या आ रहा है, तो इनवर्स आ रहा है बेटा आपका 1/7 और क्या आ रहा है बेटा आपका 5i और माइनस का a, तो आप देखिए बेटा 1/7
फाइव आई यानी 1001 और माइनस ए, ए की वैल्यू लिखिए बेटा, ए की वैल्यू क्या थी आपकी 3 माइनस 1 और 1 और 2, ये वैल्यू थी आपकी। तो अब आप देखिएगा बेटा 1/7 आपका बाहर ही रहा, और देखिए 5 5 5 में से 3 गया 2 बचा, 0 0 में से 1 गया बेटा आपका माइनस 1 बचा, 0 0 में से माइनस 1 गया तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और 5 5 में से 2 गया बेटा आपका 3 हो गया, ये आपका आंसर आ गया, ये आपने ए इनवर्स फाइंड कर दिया। तो देख लो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाली आपकी, इसमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है वो सर, ठीक है। चलिए खैर कोई नहीं, नेक्स्ट देखिएगा आप इसमें बेटा, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है वो आपसे कि ये कंडीशन दिए और ए और बी की वैल्यू बतानी है, तो ये तो आपका एक तरह से मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन हो गया आपका सीधा सीधा। आपने करना क्या पड़ेगा यहाँ पर भी, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा भैया, तो ए स्क्वायर आपने ए इंटू ए कर लेना है, तो ए कितना आपका बेटा 3 1 और 2 1, यहाँ पर भी बेटा 3 1 और 2 1। अब आप क्या करने वाले हैं ध्यान से देखिएगा बेटा, 3 2 3 3 9 3 3 9, 2 1 2, ओके। अब देखिएगा 3 2 6 और प्लस 2 1 2, और यहाँ पर देखिएगा बेटा आपका कितना है 3 और प्लस 1, और यहाँ पर देखिएगा ये कितना है 2 प्लस 1। तो आप देखिए अच्छे से क्या आ रहा है बेटा आपका, ये आपका 11, ये आपका 8, ये आपका बेटा 4 और ये आपका 3, ये आ गया आपका ए स्क्वायर। अब जो उसने दिया है ना वो लिख लीजिए आप इसमें, पूरा का पूरा लिख लीजिए बेटा, है ना। तो उसने क्या दिया है, उसने आपको ए स्क्वायर और साथ में क्या दिया, प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए और माइनस का वो सॉरी स्मॉल बी इंटू आई और इक्वल टू आपका ओ, यानी कि नल मैट्रिक्स। देखिएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू लिख लीजिए क्या आई है बेटा आपकी, ए स्क्वायर की वैल्यू 11843 प्लस स्मॉल ए और कैपिटल ए की वैल्यू लिखिए क्या था आपका 3 1 2 1, और बेटा आई की वैल्यू आपको बताइए ये रही आपकी, और सामने 0 0 0 0 आ गई आपकी। तो देखना बच्चों डायरेक्ट एक ही बना रहा हूँ मैं, 11 11 प्लस 3 ए और प्लस बी, देखिएगा बेटा 4 प्लस ए और यहाँ तो 0 ही आना है, देखिएगा बेटा यहाँ पर 8 प्लस 2 ए और यहाँ कुछ नहीं आना, और देखिएगा 3, ये क्या हो 3 और यहाँ क्या आएगा बेटा आपका, आप ध्यान से देखिएगा ये आपका 3 और ये कितना आ रहा है ए, ए आ रहा है ना बेटा, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा आपका प्लस बी, और सामने जो था वही लिख दिया आपने, है ना। देखना बिल्कुल बड़े आराम से आप कर लोगे इसको, ठीक है, अच्छे से समझ बनानी हमने और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। आपका इस वाले की कंपेयर कीजिए आप पहले, ठीक है, जो आसान है। तो 8 प्लस 2 ए इक्वल टू में 0, देन 2 ए इक्वल टू में माइनस का 8, देन 8 इक्वल टू में बेटा आपका कितना आ रहा है माइनस का 4 आ रहा है। आप देखना ध्यान से बेटा इसमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ। नेक्स्ट बी वाला, तो बी वाले के लिए आपको या तो ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा जिसमें है, तो यही ले लो, ये वाला तो ईजी लग रहा है मुझे, 3 ए प्लस बी और इक्वल में 0, देन एक्वल माइनस 4 है ना, तो ये माइनस 4 रख लीजिए बेटा, तो कितना आ रहा है आपका ये माइनस का 1 आ रहा है, तो इसका मतलब बी इक्वल क्या आ जाएगा आपका फाइनली, बी इक्वल 1 किसका आएगा प्लस का। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया बेटा आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका ये 3 वाला है मेरे बच्चों, तो ये मैं आपको कराऊंगा नहीं, आपको प्रैक्टिस में करना है, इसकी सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा थोड़ा सा कि करना क्या है। तो करना भाई ये है, इसमें आपको सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना है यानी ए इंटू ए करके, फिर बेटा ए क्यूब निकालना है यानी ए इंटू में ए स्क्वायर करके, ठीक है। जब ये भी फाइंड हो जाएगा, ये भी फाइंड हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है बेटा एलएचएस ले लेनी है, और एलएचएस क्या है हमारी बेटा ए क्यूब माइनस का 6 ए स्क्वायर प्लस का 5 ए और प्लस का 11 आई, और इसमें ए क्यूब की वैल्यू रख देंगे, ए स्क्वायर की और ए की वैल्यू तो दे रखी है वही रखेंगे, और 11 आई इसमें कौन सा लेंगे 3 ऑर्डर का लेंगे बेटा, है ना। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा आपका सॉल्व होते होते 0 ही आ जाएगा आपका। फिर ए इनवर्स क्या रहे, तो ए इनवर्स की इसमें क्या करेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये भैया तीसरा स्टेप, है ना। अब आपका फोर्थ स्टेप क्या होगा कि आप क्या करेंगे बेटा इसमें, है ना, ये क्या है सारे के सारे स्टेप्स हैं इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है। तो क्या करेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई बाय किसकी बेटा आपकी ए इनवर्स की,
इनवर्स की मल्टीप्लाई होगी तो आपका ए क्यूब इंटू में ए इनवर्स माइनस सिक्स ए स्क्वायर इंटू में ए इनवर्स और प्लस फाइव ए इंटू में ए इनवर्स और बेटा प्लस इलेवन आई थ्री और ए इनवर्स और सामने आपका जीरो जो आया हुआ है उसमें भी ए इनवर्स। तो आपको पता है यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर टू में से वन जाएगी तो वन बचेगी आपकी, और प्लस यहाँ क्या बेटा वन और माइनस वन यानी आई आएगा, क्या आएगा बेटा आपका आई। और यहाँ पर बेटा आप देखिएगा इससे आई से जिसकी मल्टीप्लाई होती है वो ए इनवर्स ही हो जाता है ना, और सामने आपका क्या है बेटा जीरो। अब यहाँ से आपको निकालना तो ए इनवर्स ही है ना, तो ए इनवर्स लास्टली हम कैसे निकालेंगे बेटा आपको सब पता है, क्या पता है आपको, 11 ए इनवर्स को यही रखेंगे बाकी सबको उधर ले जाकर फेंक देंगे। तो ये देखो ए स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और ये उधर जाकर क्या हो जाएगा सिक्स ए प्लस, और ये फाइव आई उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। और अब क्या करेंगे बेटा ए इनवर्स को लास्ट में वन अपॉन इलेवन लिखेंगे और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर सिक्स ए और माइनस फाइव आई, और ये सारी वैल्यूज आपको बड़े अच्छे से पता है, ये सारी वैल्यूज आपको बड़े अच्छे से पता है, कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि ए स्क्वायर आप निकाल ही चुके होंगे और ए और आई का आपको पता ही है। तो इस तरह से कंप्लीट क्वेश्चन होगा आपका, बहुत अच्छे से समझ में आनी हमने बेटा, बहुत बढ़िया करके ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट भी इसी का भाई दे रखा है, नेक्स्ट वही है सेम बिल्कुल ठीक है, क्यूबिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है, ध्यान रखना, इसीलिए नहीं करा रहा कि आप करोगे तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चलो देखना बेटा लास्ट इसमें देखना ध्यान से, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है ना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 में एक फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है से ज्यादा, केस का एड जॉइंट ऑफ ए, एक नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है, मान लो एन माइनस वन, क्या होता है बेटा एन माइनस वन, ये एड जॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अगर हम निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन आता है। तो आप देखिएगा डिटरमिनेंट ए क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान रखना है फॉर्मूले का, डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए आपने लिख दिया और ऑर्डर कितना है बच्चा सोचिएगा, थ्री इंटू थ्री या नाइन लिख देता है, मैंने कहा डिटरमिनेंट में से एन इक्वल क्या मान के चलेंगे बेटा हम, थ्री, इसमें थ्री इंटू थ्री में से थ्री, तो थ्री माइनस वन तो क्या होगा डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की पावर टू आ गई, तो डिटरमिनेंट ए की पावर कितनी आएगी बेटा टू, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी, ये वाला जो फॉर्मूला है ना ये वाला बेटा ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर कोई नहीं नेक्स्ट देखिएगा आप इसमें, नेक्स्ट कौन सा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का। तो इसमें आपको क्या कह रहा है कि भैया ए जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, और अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है टू ऑर्डर की तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स बताना है आपने, तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स आप देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, डिटरमिनेंट ए इनवर्स आप ये भी कह सकते हो कि भाई इसका डिटरमिनेंट बताना है, और इसको आप ये भी लिख सकते हो ठीक है वन अपॉन में ले जाकर। तो जो भी दे रखा है बात वही है, डिटरमिनेंट लिखो या साइन लगाओ तो कौन सा वाला हो गया आपका, ये वाला हो गया, तो सीधा सा आंसर है ये हो गया। तो कंप्लीट होगी बेटा आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से अगर आप करोगे तो, बस नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर क्या कराना है मैंने आपको, नेक्स्ट में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ फाइव मार्क्स का क्वेश्चन कराना है बेटा ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए इसे करके।